शहर में एक स्कूटर सवार महिला कंक्रीट मिक्सर ट्रक की चपेट में आ गई। यह हादसा एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जहां स्कूटर से गुजर रही महिला अपनी बाईं ओर से आ रहे कंक्रीट मिक्सर ट्रक के नीचे आ गई। इससे पहले स्कूटर सवार महिला और ट्रक एक ही लेन में चल रहे थे। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल आया, ट्रक अचानक अपनी दाईं ओर मुड़ गया। ट्रक महिला से टकराया और मुड़ता ही चला गया, जिससे महिला स्कूटर समेत ट्रक के नीचे आ गई। हादसे के कुछ देर बाद महिला ट्रक के नीचे से निकली। इस हादसे में महिला के हेलमेट और स्कूटर के परखचे उड़ गए। हेलमेट की वजह से महिला का सिर पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गया, हालांकि उसके एक हाथ में चोटें आईं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चंबल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बताया गया कि राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण भिंड के 8 गांवों पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा। इलाके का एक मंदिर चंबल नदी के पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ के अलर्ट के बाद प्रशासन की टीम गांव को खाली करवाने के काम में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने नाव की मदद से इलाके के लोगों को बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी इलाकों में घूम घूमकर वहां के लोगों को सैलाब के खतरे से आगाह करते नजर आए और लोगों से गांव खाली करने की अपील की। बताया गया कि इलाके के कई लोग अपने घरों को खाली करने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन की बात मानकर गांव को खाली कर दिया। गांव पानी बढ़ रहा है, डर रहे हैं लोग, बहुत परेशान है। गांव में लोग अभी हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। गांव के एक आदमी ने इससे पहले 1996 में इस तरह बाढ़ के हालात बनने का दावा किया। ज्यादा तो पहले आ चुका है, कब? 96 में। 96 के बाद अब आई। अब आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद लोगों ने अंबरगंज चौकी का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। 6 साल की बच्ची अचानक अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी, जिसका शव पास के एक मकान से मिला, जिसके बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने बच्ची के लापता होने की शिकायत भी पुलिस से की थी। बच्ची के जो पिताजी के जो खास जिसके साथ वो कार्य करते थे, उसने उस पे आरोप लगाया है, उन्होंने उस पे आरोप लगाया है कि इन्हीं के द्वारा किया गया। उसी के घर से बच्ची जो है घायल अवस्था में भी मिली है। प्रथम दृष्टया उसी व्यक्ति द्वारा ये पूरा कृत्य जो है ये किया जाना पाया जा रहा है, और जो भी तहरीर घर वालों द्वारा दी जा रही है उसके तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। उधमपुर में ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हुई विमेन मैराथन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के गया में सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने राज्य में सक्रिय मोबाइल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक मकान में घुसे बदमाश लाखों रुपए के जेवरात और नकदी को लूट कर ले गए। बिहार के गया में एक प्राइवेट स्कूल की सुरक्षाकर्मी की हत्या कर शव को सड़क किनारे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। यूपी के अमेठी में दिमागी रूप से कमजोर एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां करीब 2 दर्जन आतंकवादियों के होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी दुकानदारों को धमकियां दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के समय पूरे एहतियात बरत रही है, जिससे आतंकी किसी स्थिति का फायदा न उठा सके।